गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि जब आप जॉब के लिए कहीं जाते हैं तो आपका रिज्यूम कैसा होना चाहिए। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि जॉब इंटरव्यू के लिए जब आप जाइएगा तो आपका रिज्यूम कैसा होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों ये जानिएगा कि रिज्यूम के तीन टाइप होते हैं, एक होता है बायोडाटा, एक होता है रिज्यूम, एक होता है सीवी। रिज्यूम पहले होता है बायोडाटा। अगर हम लोग शादी विवाह का बात करें तो शादी विवाह के लिए हम लोग रिज्यूम का प्रयोग करते हैं, बायोडाटा का प्रयोग करते हैं, जिसमें आपका नाम, आपका पापा का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, ईमेल आईडी, कितना भाई है, कितना बहन है, वहां पर लिखा हुआ रहता है। लेकिन अगर आप बात करिएगा दोस्तों रिज्यूम का, तो आप कहीं फर्स्ट बार के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक रिज्यूम होना चाहिए। रिज्यूम क्या बोले दोस्तों? रिज्यूम। तो कैसा रिज्यूम होना चाहिए वो आपको हम बताते हैं। सबसे पहले एक रिज्यूम में आपका एक सुंदर सा फोटो स्माइल के साथ आपका एक रिज्यूम होना चाहिए, जिसमें आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पापा का नाम, आपका कैटेगरी, आपका क्वालिफिकेशन, आपका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। याद रखिएगा, क्वालिफिकेशन में अगर आपका स्ट्रॉन्ग क्वालिफिकेशन है तो आप उसको जरूर से जरूर डालिएगा, आप परसेंटेज भी जरूर डालिएगा, डिवीजन जरूर डालिएगा, और किस बोर्ड से किए वो भी लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो सिर्फ लिख देते हैं मैट्रिक पास, या इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट पास, नहीं, सिर्फ मैट्रिक पास या इंटरमीडिएट पास लिखते हैं, तो उससे ये सामने वाले को ये नहीं पता चलता है कि आपने इंटर में कौन सा सब्जेक्ट लिया, और सब्जेक्ट लिया तो उसमें आपने क्या क्या अचीव किया। मतलब अगर साइंस लिया है तो मैथ में कितना नंबर लाया, आपने साइंस में, फिजिक्स में कितना नंबर लाया, केमिस्ट्री में कितना नंबर लाया, इंग्लिश में कितना नंबर लाया, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप रिज्यूम तैयार करते हैं तो वहां पर आप परसेंटेज प्लस सीबीएसई से किए तो सीबीएसई, और किस ईयर में किए हैं वो लिखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मेनली रूप से यही आपको बेनिफिट देता है, आपका क्वालिफिकेशन में परसेंटेज और किस बोर्ड से किए हैं और आपका डिवीजन कौन सा आया है। दूसरा होता है एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, क्योंकि आपको पता होगा कि आज के समय में, वर्तमान में, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। दोस्तों क्या रोल होता है? अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं है और सिर्फ आप जो है आप मान के चलिए कि आप 12th कर लिए हैं और आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से, तो कोई भी कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी बोल सकते फॉर्म आपको नहीं रखेगा। इसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है दोस्तों कि उसके पास एक्स्ट्रा एक्टिविटी चाहिए। जैसे उसको, आपके पास डेटा एंट्री का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, अगर कॉमर्स के स्टूडेंट है तो अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। आपको पता नहीं है तो हम आपको बता देते हैं, वर्तमान में सबसे ज्यादा जॉब है वो अकाउंटिंग में, ठीक है। इसके बाद की बात क्या है दोस्तों कि इसके बाद क्या होता है कि आप रिज्यूम तो तैयार किए, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में आप ज्यादा फोकस करिए, ज्यादा इम्पैक्ट डालिए कि हम एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में ये किए हैं और इतना दिन से किए हैं, इतना मेरा काम का, इतना मेरा हमको इतना नॉलेज है, परसेंटेज आप जरूर डालिए कि मेरा इतना परसेंटेज है। इससे आपको ये पता चलेगा सामने वाले कि हाँ, इसको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है। और जितना ज्यादा से ज्यादा आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है उतना ज्यादा से ज्यादा डालिए, क्योंकि आप अपने फर्स्ट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जब फर्स्ट जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर आपका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन बहुत इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। उसके बाद आप अगर मान के चलिए कि आप लोकल में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे अगर आप मान के चलिए सपोज आप धनबाद में रह रहे हैं, तो अगर आप धनबाद में रह रहे हैं और आपने जॉब सर्च, धनबाद में मान के चलिए आप स्टील गेट में रह रहे हैं, अगर स्टील गेट में ही आपको जॉब मिल गया तो वो जो आदमी है वो सोचेगा कि हम इसी आदमी को पहले रखें, क्योंकि उसका जो आप ट्रैवलिंग है वो आसान पड़ जाता है। तो अगर टाइमिंग वो आपको 10 बजे दिया है तो आप 10 बजे एक्यूरेट पहुंच सकते हैं। ऐसे तो आप बोल सकते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 5 मिनट का भी बहुत मायने होता है, 5 मिनट आप लेट नहीं जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि मेरा नजदीक का आदमी रहेगा तो हमारा काम इजी भी मैं कर सकता, अगर उसको ज्यादा काम करवाना रहेगा तो भी करवा लेगा, उसके बदले आपको फी पेमेंट करेगा। तो आप जो है ये चीज जरूर बना के रखिएगा। और हमारा जो कोर्स लॉन्च हो रहा है फ्रीलांसिंग कोर्स, जिसमें हम आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताएंगे, तो द फ्यूचर ट्रैक
लिखिए आपको प्ले स्टोर में और डाउनलोड करिए, और बहुत जल्दी उस कोर्स को लॉन्च करने वाले हैं जिसमें इसी ऐसा ही बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको लाएंगे, और वो मात्र कोर्स मात्र 51 रुपीज का है और बहुत ज्यादा चार्ज नहीं है। उसके बाद आप अपने करियर को डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने करियर में क्या करना चाहते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने ग्रुप में शेयर करिए, दोस्तों को भी बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।